बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक्ने पिंपल्स का इलाज बताने वाली हूँ। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्नी है तो उनको किस तरीके से आपने खत्म करना है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे यंग लड़कियों और लड़कों को ये प्रॉब्लम होता है, और अगर आपको किसी भी उम्र में ये प्रॉब्लम हो जाता है, आपके चेहरे के ऊपर छोटे मोटे पिंपल्स या एक्नी हो जाते हैं, तो उसको बहुत आसानी के साथ घर पे आपको किस तरीके से खत्म करना है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बहुत इसका आसान सा इलाज बताऊंगी और बहुत सस्ते में ये इलाज बताऊंगी। इसको बिल्कुल 100% आजमाया जा चुका है और आप बहुत आसानी के साथ घर पर रहते हुए आसान से स्टोटके के साथ 100% अपने एक्ने पिंपल्स का इलाज घर पे रहते हुए कर सकते हैं और 100% साथ ही इसके निशानात को भी खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल 100% आपको इसका इलाज मैं दे रही हूं, एक हाथ से दे रही हूं, दूसरे हाथ से इसका इलाज ले लीजिए और अपने एक्ने पिंपल्स को 100% तक खत्म कर दीजिए और साथ में उनके निशानात को भी। तो चलिए नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक साफ सुथरा बाउल चाहिए होगा, बिल्कुल धुला हुआ, और मेरे पास ये एलोवेरा का एक लीफ है। एलोवेरा प्लांट अगर आपके पास नहीं है तो आसपास में ढूंढिए बिल्कुल, क्योंकि हमें फ्रेश एलोवेरा चाहिए। और उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लीजिए और उसको दोनों साइड से कांटे निकाल के उसके ऊपर वाला तय निकाल दीजिए और फिर उसके सेंटर से हमको एलोवेरा जेल जो है वो कलेक्ट करना है। कुछ इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप उसका एलोवेरा जेल निकाल लेंगे। अगर दूसरी तरह से निकालेंगे तो आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से मैं एक चम्मच इसका जेल जो है वो कलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने एक चम्मच एलोवेरा जेल जो है वो कलेक्ट कर लिया। इस तरीके से हमें ग्राइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी के साथ एक चम्मच मैंने जेल कलेक्ट कर लिया। बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा जेल हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पे जो चीज हम इसमें मिलाएंगे वो है मुल्तानी मट्टी, और तीसरे नंबर पे जो चीज हम इसमें मिलाने वाले हैं वो है रोज वाटर, यानी कि गुलाब का अरक। अब ये एक चम्मच ही मैं इसमें गुलाब का अरक जो है वो ऐड करूंगी, और बस ये तीन चीजें हैं। इसको इसी तरीके से आजमाया जा चुका है और आप ट्रस्ट करिए, अगर मुझ पे जरा सा भी आपको यकीन है तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आपके एक्नी पिंपल्स कितनी आसानी के साथ खत्म हो जाते हैं और साथ में इसके मसलसल इस्तेमाल से अपने एक्नी पिंपल्स से होने वाले निशानात को भी बहुत आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं और एक्नी पिंपल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ये एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा नहीं होंगे। थोड़ी देर के लिए आपने 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज के अंदर रख देना है और उसके बाद जहां पे भी आपके चेहरे के ऊपर एक्नी पिंपल्स हैं वहां पे आप इसको अप्लाई कर देंगे। अगर आपको फुल फेस पे नहीं है तो भी आप इस पैक को फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा पैक है। आपको व्हाइटनिंग तो थोड़ी कम ही देगा बट आपके एक्नी पिंपल्स को तो यूं चुटकियों में खत्म करेगा और साथ में उनके मार्क्स को बिल्कुल आसानी के साथ खत्म करेगा। मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। क्यों इतनी ज्यादा एक्साइटेड मैं इसलिए हूं क्योंकि इसको मेरी सिस्टर ने आज से बहुत साल पहले इस्तेमाल किया था, उसको आज तक अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा प्रॉब्लम नहीं हुआ और हमारे घर में किसी को दोबारा इसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट ये मेरे दिल में था, मेरे पास था ये नुस्खा और मैं आपके साथ शेयर करने का अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और आप दोस्तों के साथ मैंने इसको ऑनेस्टली शेयर किया आप लोगों के साथ ताकि आप लोगों को इसका फायदा हो सके। तो ट्रस्ट में अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स के पास जाने से पहले इस नुस्खे को इस्तेमाल करके एक दफा फॉर गॉड से एक दफा इसको इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि इसके इतने अच्छे नतीजे मिलते हैं, इसके इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि आपको वाकई में ही आप यकीन नहीं करेंगे कि आपको तरह तरह के सोप, मेडिकेटेड क्रीम्स, फेस वॉश, पिल्स कुछ भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना ये आपको बाजार दिखने वाला एक सादा सा, बहुत सस्ता सा ये नुस्खा, एक रेमेडी आपको इतना अच्छा रिजल्ट दे सकती है आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप दूसरों को भी मेरी तरह यकीन दहानी करवाएंगे कि भाई प्लीज इसको एक दफा इस्तेमाल करके देखो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लगाने के बाद आप इसको 20 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए। 20 मिनट के बाद आप इसको सादा पानी से वॉश कर दीजिए, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। इस तरीके से आप 10 दिन इसको करिए, आपके एक्नी पिंपल्स गायब हो जाएंगे और उसके बाद इनके निशानात को गायब करने के लिए आप रेगुलर इसको इस्तेमाल करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता निशान मध्यम होते जाएंगे और आप जब निशानात भी खत्म हो जाएं तो आप इसका इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। और बॉयज भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्ल्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं, छोटी उम्र की लड़कियां इस्तेमाल कर सकती हैं, बड़ी उम्र की लड़कियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बॉयज एंड गर्ल्स किसी भी उम्र में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज इसको दिल खोल के शेयर करिएगा, दिल खोल के लाइक्स दीजिएगा
करिएगा ताकि ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। एक्नी पिंपल्स का इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि लोग समझते हैं कि शायद इसका इलाज है ही नहीं, चेहरा खराब हो ही जाता है तो डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मैंने इसको अपनी आंखों के सामने देखा, इसके बहुत ज्यादा असरात हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं बिना किसी नुकसान के, तो इसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए और सब तक इस वीडियो को लाजमी पहुंचना चाहिए ताकि ये रेमेडी लोग जुबानी भी याद कर सके, दूसरों तक जरूर इसको पहुंचा सके ताकि जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचाए। हो सकता है कोई यंग बॉय या गर्ल इस उम्मीद तक पे हो कि कोई उसके साथ बहुत अच्छी चीज शेयर करे, बहुत सस्ते में घर बैठे वो इसका इलाज कर सके। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ दिल खोल के शेयर करेंगे। अब हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि जो बर्दाश्त करने का फन जानता हो वो शख्स जिंदगी की कोई जंग हार नहीं सकता। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ आपको लेसन अच्छा लगा होगा। दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा, आप लोग मेरी दुआओं में हैं, अपना अपने वालिदैन का, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और प्यारे प्यारे बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और मल्टी ब्यूटी। अल्लाह हाफिज़।